हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैंडीज क्लासेस। तो हम चैप्टर को आगे पढ़ाते हैं और अभी हम इसमें देखेंगे कुछ सोर्स बेस्ड ये मटेरियल है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व, यानी जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे ना, जो बुद्धा ने मतलब उन्होंने तो नहीं लिखे थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद जो टेक्स्ट थे उनको कैसे प्रिपेयर किया गया, कैसे प्रिजर्व किया गया। प्रिजर्व का मतलब है कैसे संरक्षित किया गया, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो बुद्धा की जो टीचिंग्स होती थी, जो भी उनके द्वारा जो मॉरल वैल्यूज हैं वो सब बताई जाती थी, तो उसको मोस्टली जो है मैन विमेन एंड इवन चिल्ड्रन भी जो है ना वो उसको पढ़ते थे, यानी उनको समझते थे, उनके प्रवचनों को सुनते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं था वेदों की तरह की भाई विमेन और बच्चे जो हैं या शूद्रास वगैरह जो हैं वो वेदों को नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या है, कोई भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति है, कोई भी जेंडर का व्यक्ति है, वो इन सब चीजों को पढ़ सकता था। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होता है, जब तक बुद्धा जीवित थे, यानी जब तक उनकी लाइफ टाइम में मतलब कोई भी चीज जो है उनके द्वारा बोली गई वो लिखी नहीं गई है। जैसे उन्होंने जो टीचिंग्स बताई हैं, उन्होंने जो मॉरल वैल्यूज, उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो विचार हैं, सिद्धांत हैं, जो भी चीजें हैं वो कहीं पे भी लिखी नहीं गई थी, वो उनकी डेथ के बाद, आफ्टर हिज डेथ के बाद, मतलब फिफ्थ या फोर्थ सेंचुरी बीसी। अब देखो ये बीसी का समय दे रखा है, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा, फिफ्थ से फोर्थ पे आएंगे हम। तो उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं है ना, वो क्या करते हैं, उनके वर्क को, उनकी टीचिंग को कंपाइल करने के लिए यहाँ पे मतलब एक काउंसिल बुलाते हैं। तो काउंसिल मतलब यहाँ पे हम एक सभा बोल सकते हैं कि एक सभा बुलाते हैं। किसकी सभा बुलाते हैं, जो बहुत ही एल्डर्स लोग थे, जो आपके बुजुर्ग लोग हैं या वरिष्ठ लोग हैं, है ना, या जिनको हम एक तरीके से ज्येष्ठ लोग बोल सकते हैं, बड़े लोग बोल सकते हैं, सीनियर लोग जो हैं उनको बुलाते हैं वैशाली। तो वैशाली जो है ये बिहार में स्थित एक प्लेस है। तो वहां पे क्या होता है, इनके जो वर्क होते हैं, इनकी जो टीचिंग्स होती है, उनको कंपाइल किया जाता है और उसको नाम दिया जाता है त्रिपिटका। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको इसे याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है थ्री बास्केट, यानी तीन जो टोकरियां हैं, है ना, ज्ञान की जो टोकरियां हैं तीन, एक का नाम होगा सुत्त पिटाका, एक का नाम होगा विनय पिटाका और एक का नाम होगा अभिधम्म पिटाका। तो जो ये तीन बास्केट हैं, ये तीन टोकरियां जो हैं, ये ज्ञान की टोकरियां हैं जिससे हमें बुद्धिस्ट धर्म के बारे में पता लगेगा। तो यहाँ पे वही चीज हम देखेंगे कि किस तरीके से जो ये सारी टीचिंग्स होती हैं बुद्धा की, इनको संग्रहित किया जाता है इसमें त्रिपिटकास में। ठीक है, जिसका मतलब होता है तीन टोकरियां। और अगर हम इसके बारे में आगे देखें तो जैसे विनय पिटाका है, मैंने अभी बताया आपको तीन पिटाकास के बारे में, सुत्त पिटाका, विनय पिटाका, अभिधम्म पिटाका। तो जो विनय पिटाका है, अब इस विनय पिटाका में क्या होगा कि जो भी बुद्धिस्ट धर्म के जो लोग हैं, जो संघ में रहते हैं, जो वहां के मॉन्क्स हैं, है ना, तो वो लोग किस तरीके से मोनेस्ट्रीज में रहेंगे, उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, क्या उनके नियम कायदे कानून ये सब जो होंगे, तो क्या उनकी लिमिटेशंस हैं, वो सारी चीजें जो हैं इसके अंदर लिखी गई थी। यानी एक तरीके से जो भी बुद्धिस्ट धर्म के जो मॉन्क्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे नियम लिखे गए हैं। किसके अंदर लिखे गए हैं, ये लिखे गए हैं विनय पिटाका के अंदर। ठीक है, जो मोनेस्ट्री से रिलेटेड, मॉन्क्स रिलेटेड यहाँ पे रूल्स हैं। उसके बाद आता है सुत्त पिटाका। तो सुत्त पिटाका में क्या लिखा गया है, जैसे इसमें क्या है, जो भी बुद्धा की जो नॉर्मल टीचिंग्स हैं, जो उसकी शिक्षाएं हैं, जो भी वो लोगों को मॉरल ज्ञान देते थे, तो वो जो सारी चीजें हैं वो सुत्त पिटाका में लिखी गई हैं। एंड अभिधम्म पिटाका में क्या लिखा गया है कि जैसे उनके फिलोसफी जो है ना, किन सिद्धांतों को वो मानते थे, उनके क्या फिलोसफिकल मैटर्स हुआ करते थे, है ना, क्या उनके सिद्धांत थे, ये सारी चीजें अभिधम्म पिटाका में लिखा गया। यानी आप इसको ना ऐसे लिंक कर लेना कि धम्मा जो आपका अशोका ने जो चलाया था, तो उसमें उनके सिद्धांत लिखे गए थे गौतम बुद्धा के, तो वही धम्मा से आप यहाँ पे रिलेट कर लेना। तो इसमें हमने क्या चीज देखी कि जैसे विनय पिटाका जो है वो मॉन्क्स एंड मोनेस्ट्रीज वगैरह से रिलेटेड रहेगी, जो सुत्त पिटाका है उसमें गौतम बुद्धा के जो बेसिक जो टीचिंग्स हैं, जो ज्ञान है, जो मॉरल वैल्यूज हैं, थॉट्स हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। और अभिधम्म पिटाका ये पूरी तरीके से सिद्धांतिक है, ये फिलोसफिकल टीचिंग के ऊपर रिलेट करेगा। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे करके कोरिलेट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। अब आगे देखेंगे कि किस तरीके से जो ये बुद्धिस्ट धर्म है ये धीरे धीरे मतलब वर्ल्ड में फैलने लग जाता है। तो जैसे अगर हम देखें तो श्रीलंका में ये फैलता है, तो श्रीलंका में इसको नाम दिया जाता है दीपावंशा। इसका मतलब क्या होता है दीपावंशा, कि मतलब जो
देखो आइलैंड है, श्रीलंका एक आइलैंड है, उसको द्वीप बोलते हैं, तो जैसे द्वीप का इतिहास ऐसे करके इसको हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पे इसका लिटरली मीनिंग होता है एन आइलैंड, तो दीपा वंश, दीपा मतलब द्वीप, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे बता रहा है। और क्या दूसरा नाम क्या दिया गया, महावंशा, तो इसका मतलब क्या होता है, ग्रेट क्रॉनिकल। तो जो भी चीजें जो है श्रीलंका में जो मतलब एक्सप्लोर की गई, श्रीलंका में जो पता लगाई गई, तो वहां पे उनको इस नाम से बोला गया, दीपा वंशा एंड महावंशा। ओके स्टूडेंट्स, एंड आगे अगर हम देखें तो बोल रहे हैं कि तो जब बुद्धा का इतिहास लिखा गया तो उसमें ज्यादातर जो उनके ग्रंथ हैं, जो उनके टेक्स्ट हैं, वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए, पाली लोकल लैंग्वेज ही होती थी, पाली प्राकृत ऐसे करके, ठीक है। और बाद में फिर जो है इसको ट्रांसलेट किया गया, किसमें, संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया, इसको कंपोजिशन में डाला गया, संस्कृत लैंग्वेज में बाद में डाला गया, मतलब बाद में जो संस्कृत में इसके ग्रंथ लिखे गए, लेकिन पहले जो है पुराने ग्रंथ जो हैं वो पाली में ही लिखे गए थे, इसकी जो इनिशिएट जो इसको लिखने का तरीका था वो पाली लैंग्वेज में था। और अगर हम आगे देखें तो बोल रहे हैं कि बुद्धिस्ट धर्म को स्प्रेड करने में दो ट्रैवलर्स का, दो पिलग्रिम्स का बहुत बड़ा हाथ है। एक का नाम क्या है, एक का नाम है फाशियन बोलेंगे इसको, या फाइयान हम इसको बोल सकते हैं, या फाशियन करके अगर आप इसको प्रोनाउंस कर लेना। और दूसरे का नाम क्या है, श्वेनसांग, ठीक है, श्वेनसांग। तो ये जो है चाइनीज ट्रैवलर्स थे, और ये क्या करते हैं, ये बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट होते हैं उनको चाइना ले जाते हैं, और वहां पे जाके जो है इसका अनुवाद करते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं, जो भी बुद्धा की जो टीचिंग्स की जो बुक्स थी उनको वो वहां पे ले जाते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं, इनके मीनिंग्स को अच्छे से समझते हैं। तो लेकिन जो इंडिया के भी जो आपके ये थे ना ट्रांसलेटर्स थे, जो स्कॉलर्स थे, तो ये क्या करते हैं, और भी देशों में फैलाते हैं बुद्धा के थॉट्स, बुद्धा के विचार कैसे थे। और वैसे बुद्धा की जो विचार थे वो बहुत ही रियल थे, वो कर्मा पर बिलीव करते थे पूरी तरीके से, ठीक है। तो कई सदियों तक अगर हम देखें तो इनकी जो मैनुस्क्रिप्ट होती है ना, देखो ये मैनुस्क्रिप्ट का एक एग्जाम्पल है ना, यहाँ पे ये जो सारी चीज लिखी गई है ये बुद्धा के बारे में ही, बुद्धा की टीचिंग्स जो है, जो वो दुनिया को समाज को सिखा के गए, वो सारी चीजें जो है इसमें प्रिजर्व करके रखी गई हैं, इन्हीं को पांडुलिपियां या मैनुस्क्रिप्ट हम इनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ये बहुत सारी जो मैनुस्क्रिप्ट हैं ये सेवरल कंट्रीज में देखने को मिलते हैं, एशिया की कई सारी मोनेस्ट्रीज में इनके मैन्युस्क्रिप्ट जो है प्रिजर्व करके रखे गए हैं, और इनके जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं इनको बाद में ट्रांसलेट भी किया गया। कौन सी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया, देखो जैसे पाली में तो पहले से ही था, फिर धीरे धीरे क्या है संस्कृत में आया, फिर चाइनीज वाले लोग जो है जब वो टेक्स्ट ले गए तो उन्होंने चाइना में उसको ट्रांसलेट किया, फिर तिब्बतियन, अब चाइना है तो तिब्बत एक जैसा ही है। तो कहने का मतलब है ये कुछ एग्जाम्पल्स आप याद रखना, जिसको बाद में क्या है इन भाषाओं में भी इसको लिखा गया, जो चाइना जो बुद्धिस्ट के टेक्स्ट थे, ठीक है। यहाँ पे ये जो है एक एग्जाम्पल दे रखा है किसका, बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट का, जिसको आप देख सकते हो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ये 12th सेंचुरी का है। उसके बाद नेक्स्ट सोर्स पे आएंगे। देखो स्टूडेंट्स, आपको ना ये सोर्सेस छोड़ने नहीं है बिल्कुल, ठीक है। आप कहीं सोचो कि भाई चलो हम कंटेंट ही पढ़ लेते हैं, इनको मिस कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक बार आपको जरूर इनको रीड करना है, समझना है, ठीक है। उसके बाद मतलब आपको एक जनरल आइडिया तो रहना ही चाहिए कि भाई ये किसके बारे में बात कर रहा है। तो इस सोर्स में क्या दे रखा है, फैटलिस्ट एंड मैटेरियलिस्टिक, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है कि जो नियतिवाद, जो भाग्य में जो चीजें लिखी होती हैं उसको, मतलब जो लोग इन चीजों पे बिलीव करते हैं, भाग्य पे बिलीव करते हैं, किस्मत पे बिलीव करते हैं, उनको फैटलिस्ट बोलते हैं। और जो इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करते हैं, अपने काम पे बिलीव करते हैं और सारी चीजों को वो मैटरलिस्टिक समझते हैं, इवन गॉड को भी वो एक ऑब्जेक्ट ही समझते हैं, तो ऐसे जो सोच के लोग होते हैं उनको मैटरलिस्टिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया है। तो ये जो एक्सपर्ट है ये दे रखा है सुत्त पिटाका के अंदर, तो यहाँ पे किस तरीके से जो अजात शत्रु हैं, अजात शत्रु कौन थे, ये बिंबिसार के बेटे थे, ठीक है। एक हर्यक डायनेस्टी आई थी, मगधा की सबसे पहली डायनेस्टी हर्यक डायनेस्टी, जहां पे क्या है बिंबिसार, अजात शत्रु, फिर उनके बेटे उडायन, ये क्या करते हैं अपने पितृहंता मतलब अपने ही पिता को मार देते थे, इस दिन का बॉयकॉट कर दिया जाता है। लेकिन अजात शत्रु एक बहुत ही ब्रेव रूलर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि अजात शत्रु और बुद्ध के बीच में जो गौतम बुद्ध है उनके बीच में जो बातचीत चल रही है उसको लेके यहाँ पे दिखाया गया है। तो कहने का मतलब है कि जो अजात शत्रु और बुद्ध के बीच में जो बातें होती है ना, वो मखाली घोषाल के द्वारा हमें बताई गई है, उनके द्वारा समझाया गया है कि इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई थी। तो यहाँ पे पूरा जो ये सोर्स है ना, ये यहाँ पे बताता है कि आप जो है किस्मत पे विश्वास करते हो,
या अपने कर्म पर विश्वास करते हो। ठीक है, किस्मत का मतलब क्या हो गया कि जैसे जो भी हमारे साथ जो भी चीजें होती हैं तो हम उसको किस्मत का नाम दे देते हैं कि भाई हमारे भाग्य में यही लिखा है या हमारी किस्मत में यही लिखा है। तो जो भी चीजें होंगी हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, फैटलिस्ट या नियतिवाद। ठीक है, लेकिन जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो किस्मत पर विश्वास नहीं करते, वो अपने कर्म पर विश्वास करते हैं कि भाई हम कुछ करेंगे। जैसे सपोज करो कि आपने जो है बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है ना, और आप अगर फेल हो गए तो फिर उसके बाद क्या होगा, आप सीधा बोल दोगे कि भाई ये तो मेरी किस्मत में लिखा था, है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से फैटलिस्ट बिहेवियर हो जाएगा कि ये तो मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में यही लिखा था, मैं पास नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप मेहनत करो, है ना, आप अपनी मेहनत करोगे तो आपको एक विश्वास रहेगा कि मैं अच्छा स्कोर कर जाऊंगा। तो ये क्या है, कर्म के ऊपर हो गया। तो जो कर्म के ऊपर होता है वो मैटरलिस्टिक है, और जो भाग्य के ऊपर हम सब चीजें छोड़ देते हैं वो फैटलिस्ट है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि दो व्यक्ति हैं, जैसे अगर हम एक नॉर्मली इसका मैं पूरा आपको है ना एक निचोड़ बता देती हूँ कि इसमें क्या बताना चाह रहा है। इसमें ये बताना चाह रहा है कि दो व्यक्ति हैं, एक कोई जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ठीक है, तो वो क्या है, वो भी कर्म करेगा, और एक कोई फूल व्यक्ति है वो भी कर्म करेगा। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि आप जो कर्म करोगे वो 100% हमेशा सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसमें मतलब ज्यादातर तवज्जो दी गई है फैटलिस्ट चीजों, ठीक है, कि आपकी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। आप चाहे कितना भी कर्म कर लो, चाहे कितना भी काम कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, समटाइम्स हमने सुना भी है कि हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, बहुत टाइम लग जाता है, तो यानी हमारी किस्मत में नहीं लिखा है कि। तो जब हम लोग क्या है भाग्य पे विश्वास करेंगे या किस्मत पे विश्वास करेंगे तो वो चीज हमारे सामने आएगी। तो इस तरीके से जो चीजें यहाँ पे दे रखी हैं तो ये शो कर रहा है कि जो नियतिवाद है, जो फैटलिस्ट चीजें हैं वो ज्यादा हावी हो जाती हैं भौतिकवादी चीजों पर। तो उसे बताना चाह रहे हैं कि चाहे बुद्धिमान व्यक्ति हो या मूर्ख व्यक्ति हो, दोनों को ही जो चीज मिलेगी वो किस्मत से मिलेगी, भाग्य से मिलेगी। ठीक है, सुख और दुख जो है किसी भी तरीके से निर्धारित मात्रा में मिलते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आप बुद्धिमान हो तो आपको कोई दुख नहीं मिलेगा, आप हर चीज को हैंडल कर पाओगे, ऐसा नहीं है। इसका जो देने का तरीका है गॉड के द्वारा वो दोनों ही निर्धारित मात्रा में दिया जाता है। इस संसार में कोई भी चीज जो है जो पहले से लिखित है वो बदली नहीं जा सकती है, है ना। आपके भाग्य में जो चीज है वो बदली नहीं जा सकती है, और इसको बढ़ाया भी नहीं जा सकता, इसको घटाया भी नहीं जा सकता, मतलब इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता। जो भी चीज आपके भाग्य में लिखी है वो आपको भुगतना है, आपको सुख है दुख है सारी चीजें आपको इसके अंदर इंक्लूड कर दी जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई एक बॉल है, स्ट्रिंग बॉल, यानी स्ट्रिंग बॉल मतलब कोई भी जो कोई भी गोला है, जैसे धागे धागा वगैरह होता है ना, धागा लिपटा होता है उसका जो गोला होता है, तो अगर आप उसको किसी भी तरीके से फेंकोगे तो उसकी जो फोल्डिंग है वो खुलती हुई चली जाएगी, है ना। तो ऐसे ही आपका जो जीवन है, आप उसको जैसे जैसे जीते जाओगे, स्ट्रगल करते जाओगे, दुख सुख सब कुछ मिलता चला जाएगा, और इसी तरीके से आपके जीवन का एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बोला है कि मतलब आप इन चीजों को मतलब किस्मत में जो लिखा है ना उसको आप हटा नहीं सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे फोकस किया गया है फैटलिस्ट चीजों को। उसके बाद अगर हम फिलोसोफर देखें यहाँ पे, तो अजीत केशा कामलिन करके हैं, ये बोलते हैं, किसको बोल रहे हैं, ये राजा को एक तरीके से बता रहे हैं कि जो भी दान दक्षिणा वगैरह दी जाती है राजा के द्वारा, ठीक है, चाहे कितना भी चढ़ावा कर लो, चाहे कितना भी यज्ञ कर लो, अगर मतलब इस तरीके की कोई चीज नहीं होती है, ये सब हम अपने सुकून के लिए करते हैं, हमें अच्छा लगता है। अभी जैसे क्या है, अगर आप दान दे रहे हो, किसी भी चैरिटी को दान दे रहे हो या कुछ भी ऐसी सेवा कर रहे हो, तो उसको आप तो उससे ना आपको अच्छा लगता है, आपके अंदर इंटरनल जो फीलिंग्स हैं उससे आप सेटिस्फाइड रहते हो, आपको खुशी मिलती है। लेकिन जो आपकी किस्मत में लिखा है ना उसको आप नहीं बदल सकते हो, चाहे कोई भी आप कर्म कर लो, कितने भी आप अच्छे कर्म कर लो, उसको आप नहीं बदल सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है ना, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, यहाँ पे लिखा गया है वही चीज मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि ह्यूमन जो है वो यहाँ पे फोर एलिमेंट्स में विलीन हो जाता है, जैसे आपकी जो बॉडी है वो किस किस चीज में विलीन हो जाएगी, किस किस चीज में समा जाएगी। तो यहाँ पे वो चीज बताई गई है कि एक तो हो गया आपका जो अर्दी है, अर्दी मतलब मिट्टी, ठीक है, तो बोलते हैं ना कि इंसान जो है मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसे करके बोला जाता है। तो वो यही है कि लास्ट में मिट्टी में मिलना है सबको, ठीक है। उसके बाद जो वाटर वाला जो पार्ट है वो वाटर में चला जाएगा, है ना, और जो हमारी सांस वाला, जैसे हम सांस लेते हैं, हमारे जो सेंसेस होते हैं वो सब आपका क्या है, वायु में विलीन हो जाएगा, और जो भी आपकी इंद्रियां हैं वो सब अंतरिक्ष में समा जाएंगी। तो इस तरीके से बताया गया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहे हैं
जो पिता कामिन है ये बोल रहे हैं कि जो दान देने की जो प्रक्रिया है, हम दान देते हैं तो ये सब फूल्स का काम है, ठीक है, या फिर गिफ्ट वगैरह देना जो है ये सब मूर्खों मूर्खों के सिद्धांत है, ऐसे करके बोल रहे हैं। मतलब एक तरीके से सब कुछ खोखला है, सब कुछ झूठा है ना, ऐसे करके ये बता रहे हैं कि बिल्कुल खोखला झूठ है ये सब कुछ। मूर्ख लोग जो होते हैं या विद्वान लोग जो होते हैं वो कभी भी कट नहीं हो पाते हैं किस चीज से कि भैया जो उनकी किस्मत में है वो उनको भोगना ही पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ठीक है। मतलब मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि सबकी डेथ होनी है, चाहे कोई कुछ भी कर्म कर ले, कितना भी अच्छा चाहे कितना भी बुरा, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई चलो फैटलिस्ट चीजों की, मतलब सीधी सी बात आप इसको ये मान के चलो, यहाँ पे ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई भाग्य से ज्यादा और समय से पहले, बोलते हैं किस्मत से ज्यादा समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, तो उन चीजों पे यहाँ पे बिलीव किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम दो चीजों को डिवाइड करेंगे, एक है आजीविका और दूसरा है लोकायत, ठीक है। तो जो आजीविका है वो फैटलिस्ट लोग होते हैं, है ना, जो आजीविका ट्रेडिशन को अपनाते हैं, जो फर्स्ट टीचर थे, जो पहले टीचर थे वो आजीविका ट्रेडिशन को अपनाते थे और वही फैटलिस्ट हुआ करते थे, वही नियतिवाद या भाग्य की चीजों को ज्यादा बढ़ावा देते थे। उनको पहले से मतलब उनका ये था कि सर सब चीज जो होती है ना एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, यानी पहले से सब निर्धारित है, आपको जस्ट आना है दुनिया में और रोल प्ले करके चला जाना है, पहले से आपको सब कुछ मिला हुआ है, सारी जो चीजें हैं वो आपकी डिसाइडेड है कि आपको किस कैरेक्टर में आना है, आप क्या करोगे, आप ये करोगे, जो भी है, ठीक है, तो पहले से सब डिटरमाइंड है। लेकिन जो सेकंड टीचर है वो क्या बोलते हैं, वो आते हैं लोकायत ट्रेडिशन से, पहले वाले आते हैं आजीविका ट्रेडिशन से, दूसरे वाले आते हैं लोकायत ट्रेडिशन से, और ये विश्वास करते हैं मैटरलिस्टिक चीजों पर। मैटरलिस्टिक का मतलब हो गया भौतिकवादी चीजों पे, यानी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिफिकेशन, हर चीज को वो लोग ऑब्जेक्ट समझते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो गॉड पे विश्वास नहीं करते, भाग्य पे विश्वास नहीं करते, है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है कि ये लोग जो होते हैं ये कर्मा पे विश्वास करते हैं, मतलब ये इतना बल रखते हैं कि अपने कर्म से अपनी किस्मत बदलते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये भी सही है, अगर आप अच्छे कर्म करोगे, बहुत मेहनत करोगे तो शायद आपकी किस्मत भी बदल सकती है, तो यहाँ पे ऐसे बताया गया। लेकिन इसका इतने ज्यादा जो एविडेंसेस हैं वो नहीं मिले हैं, इसके बारे में इतना ज्यादा जो इसकी जो परंपराएं हैं ये सब नष्ट हो गई हैं, इसकी मैटरलिस्टिक की, इस पर लोग बहुत कम विश्वास करते थे उस समय पे, ठीक है, भौतिकवादी चीजों पर बहुत कम विश्वास करते थे, इसलिए धीरे धीरे जो इसके ग्रंथ हैं, जो इसकी परंपराएं हैं वो नष्ट हो गई हैं और इसके बारे में इतनी ज्यादा जानकारी भी नहीं मिलती है इस लोकायत ट्रेडिशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, अगर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तो आपसे यही पूछेगा कि आजीविका ट्रेडिशन जो है वो किस पे बेस्ड है, तो आपको बताना है फैटलिस्ट, और लोकायत ट्रेडिशन जो है ये किस पे बेस्ड है तो बताना है आपको मैटरलिस्टिक, ठीक है। और ये सब कहानी तो खैर ऐसे आपको एक सीख देने के लिए है, है ना, ये सब चीजों से आपको कुछ सीख मिले, इस तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। चलो एक और सोर्स देख लेते हैं, एक्चुअली क्या है यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये पूरा एक कंटेंट हो जाएगा, इसको बाद में देख लेंगे। यहाँ पे एक और सोर्स ले लेते हैं, ये पूरी वीडियो आपकी सोर्स बेस्ड हो जाएगी, इसमें तीन सोर्सेस मैंने समझा दिए, आप देख लेना उसको, ठीक है। सोर्स फोर क्या बताना चाह रहा है आपको कि जिस तरीके से जो बुद्धा की टीचिंग्स है उनको कंपाइल किया गया है उनके फॉलोअर्स के द्वारा, उसी तरीके से महावीर जैन की भी जो टेक्स्ट है उनको कंपाइल किया गया, उनकी टीचिंग्स को कंपाइल किया गया है उनके फॉलोअर्स के द्वारा या उनके स्टूडेंट्स के द्वारा, और ये किस बेस पे किया गया, स्टोरीज के माध्यम से किया गया। देखो कोई भी चीज जब हम स्टोरी के बेस पे पढ़ते हैं ना तो हमको इंटरेस्ट आता है, हम अच्छे से उसको पूरा मतलब उसका एंड जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, एज अ स्टोरी यहाँ पे समझाया है, और यहाँ पे समझाया क्या है, वही टीचिंग्स ही समझाई है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राकृत टेक्स्ट है, आप मोस्टली एक चीज ध्यान रखना, जो महावीर जैन के जो टेक्स्ट है वो मोस्टली प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, और जो गौतम बुद्ध के जो टेक्स्ट है वो मोस्टली पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राकृत टेक्स्ट है उसमें क्या है, उत्तराध्यायन करके एक सूत्र है, उसमें से एक कहानी उठाई गई है उत्तराध्यायन, याद रखना स्टूडेंट्स, ये महावीर जैन से रिलेटेड है, ये प्राकृत लैंग्वेज की टेक्स्ट में मेंशन है उत्तराध्यायन सूत्र, तो यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया गया है। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एक रानी है जिसका नाम है कमलावती, क्योंकि ये स्टोरी के बेस पे समझाया गया ना आपको, तो इसीलिए यहाँ पे एक स्टोरी भी दे दी गई है, ठीक है। तो इसमें आपको बता रहे कि कमलावती करके एक रानी है, वो अपने हस्बैंड को समझा रही है, क्या समझा रही है कि भाई तुम संन्यास ले, ठीक है, तुम क्या करो इस दुनिया से संन्यास ले लो, मतलब एक संत बन जाओ, है ना, सन्यासी बन जाओ,
तो इन्होंने ये बताया अपने हस्बैंड को कि अगर आपको पूरी दुनिया भर का भी खजाना मिल जाएगा, आपको पूरा ट्रेजर मिल जाएगा, आपको पूरी दुनिया की सुख सुविधाएं भी मिल जाएंगी ना, तब भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओ। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि हमको जो चीजें प्राप्त होती हैं हम उसमें सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, हम और चीजों की लालसा करने लग जाते हैं, ये ह्यूमन नेचर होता है। ठीक है ना, महत्वाकांक्षी होते चले जाते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि आपको पूरी दुनिया का ट्रेशर भी मिल जाएगा। यानी आपने देखा होगा दुनिया के जितने भी अमीर आदमी हैं, जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं, उनको भी एक ललक रहती है कि किसी भी तरीके से हमारा पैसा बढ़ता ही जाए, वो लॉस जो है उसको फेस नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ भी मिल जाएगा ना, तो आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते इस पूरी दुनिया में। ठीक है, जितनी भी ये तुम्हारी भौतिकवादी सुख सुविधाएं हैं, जो भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो कोई भी आपको नहीं बचा सकता है, यानी जब भी आपकी मृत्यु आ जाएगी तब ये सब कुछ यहीं पे धरा का धरा रह जाएगा। कहने का मतलब है कि हमेशा जो हमको सिखाया जाता है कि भैया लाइफ में सेटिस्फाई रहो, है ना, ज्यादा महत्वाकांक्षी बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब दुनिया में यही रखा रह जाएगा। ठीक है ना, तो वही चीज है, अच्छे कर्म करो। तो इसी पे बेस यहाँ पे बता रहे हैं कि सब कुछ यहीं पे रह जाएगा, आप कितने भी पैसे वाले बन जाओ तब भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है, मृत्यु के सामने किसी की नहीं चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपकी मृत्यु होगी तो सब कुछ पीछे छूट जाएगा, है ना, ये सारी चीजें तो हमने कई बार सुनी है। उसके बाद यहाँ पे मतलब कहने का है कि जो आप धर्म कर रहे हो, जो भी आपका धर्म है, जो आपका कर्म है, धर्म है, उसी को आप लेकर जाओगे अपने साथ। ठीक है, वही वाली बात है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, बस अपने साथ जो लेकर जाना है वो धर्म को और कर्म को लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं कि वही तुम्हारी रक्षा करेगा, जो तुम्हारा धर्म है, जो तुमने किया है इस दुनिया में आके, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसे कि एक चिड़िया होती है ना, चिड़िया जिस तरीके से पिंजरे को डिसलाइक करती है ना, पिंजरे में रहना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, उसी तरीके से कमलावती बोल रही है कि मैं इस दुनिया को डिसलाइक करती हूँ। ठीक है, मुझे ये दुनिया जो है ये पूरा मतलब इस तरीके से बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं वो तो किस तरीके से मतलब अपनी लाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, दुखी रहते हैं। और कमलावती बोलती है कि मतलब मैं जो है वो निष्काम भावना से सारे काम करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि भाई मैं बाल बच्चे पैदा करूँ, है ना, मैं मतलब क्योंकि भाई बच्चे होंगे तो फिर उनकी जो नीड्स है उनको कम्प्लीट करो एज अ पेरेंट, है ना, तो फिर आपके अंदर जो लालसा बढ़ेगी कि भैया पैसा आना चाहिए, ये सारी चीजें एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं। ऐसे बताने की कोशिश कर रही है कि मैं एक नन का जीवन बिताना पसंद करूंगी, मैं किसी बाल बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती हूँ, ना किसी लाभ के, है ना, ना किसी डिजायर के, ना किसी शौक के, लाभ के, जो भी चीजें हैं मतलब मेरे अंदर जो जो भी डिजायर्स है उन सबको खत्म करना चाहती हूँ, और बिना मतलब किसी भी द्वेष के, किसी से कोई हेट्रेड नहीं, किसी से कोई रिवेंज नहीं, कोई बदला नहीं, किसी से कोई नफरत नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ऐसे करके मैं अपना जीवन बिताना चाहती हूँ एक साध्वी की तरह। ठीक है, एक मतलब प्यार से बहुत ही सिंपल लाइफ जीना चाहती हूँ, क्योंकि उसको इस लेडी को क्या है ना, लाइफ की रियलिटी पता रहती है। असली में स्टूडेंट्स यही है लाइफ की रियलिटी, कि जितने भी डिजायर्स हम रखते हैं वो आप उसको फुलफिल करने के लिए पूरा जोर लगाते हो, कभी कभी आप गलत काम में भी फंस जाते हो उनके लिए, तो ऐसे डिजायर्स आपको नहीं रखने हैं। ठीक है, आपको जितना मिला है उसी में सेटिस्फाई रहो, उसी के लिए थैंक्स करो गॉड को कि जो मिला है भैया हम उसी में संतुष्ट हैं। कमलावती तो भैया अपने पति को ही मतलब क्योंकि वो राजा है तो उसको ही संन्यास लेने के लिए बोल रही है, सब सब चीजें त्यागो सब उपवास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रही है कि जिन लोगों ने जो सुख वगैरह भोग रखा है और उसके बाद उसका परित्याग कर दिया, उसको छोड़ दिया। देखो आपने सुने होंगे बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिन्होंने जो ब्लैनियर्स हैं, मिलेनियर्स हैं, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भक्ति में लीन हो गए हैं। ठीक है, उन्होंने देख लिया क्योंकि उनको पता लग गया कि भाई लाइफ की रियलिटी है क्या। ठीक है ना, तो इसीलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, मोह माया पैसा वगैरह सब कुछ छोड़ दिया। तो ऐसे ही इसने बोला है कि जो लोग सुख का परित्याग कर देते हैं वो लोग इंडिपेंडेंट रहते हैं, एक बर्ड की तरह कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एक खुले परिंदे की तरह वो पूरे आसमान में कहीं भी घूम फिर सकते हैं, क्योंकि जितना पैसा, जितनी ज्यादा डिजायर, जितनी टेंशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहे हैं कि आप जो है अपना पूरा जो किंगडम है उसको छोड़ दो, उसका परित्याग कर दो, है ना, जितने भी आपके इंद्रियां हैं, जितने भी आपके सुख हैं, जो भी आपके अंदर जो भावनाएं हैं उन सब का परित्याग कर दो, उन सबको छोड़ दो। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी आपका अटैचमेंट रहा है प्रॉपर्टी से, अपने जो भी एंसेस्ट्रल आपकी जो बुजुर्गों की प्रॉपर्टी रही है, भैया कोई किंगडम चल रहा है, तो ये सब परित्याग कर दो। और लास्ट में करो आप एक सीवियर पिनेंस, एक घोर तपस्या करो, क्योंकि आप इतने तेज
मतलब आप में इतना टैलेंट है, आप इतने एनर्जी से फुल हो कि आप ये सब काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि द वर्ल्ड बियॉन्ड द प्लेस, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि महल के बाहर वाली जो दुनिया है वो इंट्रोड्यूस करती है कमलावती अपने पति को बता के कि ये जो सारी चीजें हैं यही रियल लाइफ होती है। बाकी के तो सब हम जो भी डिजायर्स हैं, जो भी हम पैसे के पीछे भागते हैं, वो सारी चीजें टेम्पररी हैं, वो हमेशा हमारे काम नहीं आने वाली हैं। तो ये सारी चीजों को छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मृत्यु जो है, जो डेथ है वो अटल है, वो तो होनी ही है और वही सत्य है। ऐसे करके कमलावती जो है अपने पति को यहाँ पे काउंसिल करती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, हमने ये तीनों सोर्सेस देख लिए, आपको इसमें से कुछ ज्ञान ही प्राप्त हुआ होगा, ठीक है। बहुत अच्छे सोर्सेस थे, एक तरीके से आप इसको अपनी लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हो कि हमें किन चीजों के साथ रहना चाहिए, ठीक है। तो बाकी का आप इसको रीड जरूर कर लेना एक बार। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है थर्ड टॉपिक को कवर करेंगे, बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर। तो बने रहिए ह्यूमैनिटीज क्लासेस के साथ।